अब बताओ तुम मुझसे रूबरू क्या बात करना चाहते थे? बल्कि छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे क्यों बंद किए? ये स्टार कौन है आंटी? और उस रात ऑफिशियल डिनर पे वो क्या कर रहा था? वो तो ऑफिशियली इनवाइटेड था, लेकिन अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे, ये अलीना कौन है? और उस दिन तुम होटल के कमरे में उसके साथ क्या कर रहे थे? कौन अलीना? मैं तो किसी अलीना को नहीं जानता। अच्छा, शायद भूल गए होगे। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं इस अलीना की बात कर रही हूं। क्या कर रहे थे तुम होटल के रूम में इसके साथ? ओ, ये अलीना? ये अलीना तो आंटी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, दूसरे शहर से आई हुई थी बस इसलिए। सिर्फ दोस्त नहीं है वो तुम्हारी, मैंने उसके शजरे नसब को अच्छी तरह से मालूम कर लिया है। मैं जानती हूँ वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है। होटल के कमरे में एक गैर लड़की से मिलने का क्या रीजन था? आंटी, ऐसे किसी के खानदान के बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं है। बहुत फेमस एक्ट्रेस है और हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, उसकी मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से ही काम की बात करने के लिए बॉस ने मुझे वहां भेजा था। अच्छा, तो सिद्दीकी अब लड़कियों को होटल के कमरों में बुलाकर मिलता है। ये मेरे लिए एक नई इत्तला है। वैसे तुम्हारी बात की तस्दीक के लिए मैं सिद्दीकी को स्पीकर कॉल पे भी ले सकती हूँ, कहो तो मिलाऊं। आप एक सेकंड, बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम नहीं जानते, सिद्दीकी की माँ और मैं एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। मेरे सामने का बच्चा है। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम अब तक झूठ बोलते रहे हो।